मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। मेरे पति सुन रहे ये गाना, नाइस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू अनदर वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। बेबी थोड़ा मद्दा करोगे आप, मेरा व्लॉग चालू किया मैंने। थैंक यू सो मच गाइज, मैं बड़े दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो व्यूज़ नहीं आते व्लॉग्स पर जो आने चाहिए, जिस तरीके से रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं बहुत ऐसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैंने रेगुलरली बनाकर भी देख लिए व्लॉग्स, कोई भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब नहीं देख रहे लोग। मैं स्टोरीज भी डाल रही हूँ, मतलब मैंने पूरी कोशिश करी पर कुछ नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने सोचा है मैं ओकेशनली व्लॉग्स ही बनाऊंगी, जब भी अगर कहीं बाहर जा रही हूँ या कुछ फंक्शन है एक्सेट्रा। तो यस, आज मेरा पहला यूट्यूब का क्रिएटर मीट है जो कि इंदौर में ही है, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं बनाऊँ, इसका वीडियो बना लूँ, आज व्लॉग बना लूँ। फिलहाल मुझे मेरे हस्बैंड जी की चंपी करना है बालों की, क्योंकि आज सैटरडे है और ये घर पर है, तो चंपी। सर जो तेरा चकरा है या दिल डूब जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मेरे हाथ, मेरा ये वाला हाथ पहले मतलब अभी दुख रहा था मैंने, क्योंकि वो पंखा साफ कर दिया बहुत ही जोश में चढ़ के, बिल्कुल शक्तिमान बन के मैंने वो पंखा साफ किया है, क्योंकि गंदा हो रहा था और दिवाली आ रही है, सफाई करना ज़रूरी है। तो वो अभी मेरे हाथ की 12 बजे पड़ी है, पर ठीक है, करना तो भाई औरत को ही है ना। चंपी करते करते दोस्तों डैंड्रफ दिख गए बहुत ज़्यादा बालों में, तो हमने इन्हें दही भी लगा दिया है ताकि थोड़ा डैंड्रफ कंट्रोल हो। ओके, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखे हो दोस्तों, तो मैंने ये सब्जी के बारे में बताया था कि मैं अब नीचे जाकर लेकर आ रही हूँ। तो सब्जी मिशन इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल, मैं तब से ही नीचे से जाकर ही लेकर आती हूँ सब्जी वाले भैया से। पर आज जो है सब्जी वाले भैया मुझे पहचान गए, बहुत टाइम से उनसे सब्जी ले रही हूँ, तो आज मुझे वो कह रहे थे तुम्हारो फोटो है हमारे मोबाइल में, चश्मा में पहचान नहीं आवत, लेकिन तुम्हारो फोटो तो है मोबाइल में, अच्छा करत तुम, अच्छा करत जो भी करत ना। हाँ, मैंने नहा लिया दोस्तों और जाने के कपड़े पहन लिए। यस, मैं ये टी शर्ट में जाने वाली हूँ बिकॉज मुझे कंफर्टेबल कपड़े ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और अब थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, सुंदर भी तो दिखना पड़ेगा ना, दुखना पड़ेगा क्या होता है मूड। तो मैं मेरा ये फेवरेट मामा अर्थ का ग्लो सिरम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। दिस फाउंडेशन हैज सम यूनिक सिरम फार्मूला विच गिव्स यू अ परफेक्ट ब्लेंडेबल कवरेज ऑन योर फेस विच स्टेज फॉर 12 आवर्स। और क्या चाहिए, ये इवेंट के लिए परफेक्ट है ना। क्यों मैं ये फाउंडेशन ना रेगुलर बेसिस पर भी यूज़ करती रहती हूँ, बिकॉज ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। इसमें पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन सी और टर्मरिक, और इंडियन स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई फाउंडेशन लगाया है, ऐसा बिल्कुल महसूस होता है कि दूसरी स्किन है मेरे फेस पर। अभी मैं इसको जैसे ही ब्लेंड करूँगी ना, तो एकदम से 2x इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा मेरे फेस पर। दिस फाउंडेशन इज़ मेड सेफ एंड सर्टिफाइड, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। मैंने जो शेड यूज़ किया दोस्तों वो है नेचुरल 08, एकदम नेचुरल ग्लो के लिए। दोस्तों मामा अर्थ का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। उसमें ना जब भी आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हैं ना, तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उनके वेबसाइट पर एक ट्री के साथ, जो कि वो आगे जाकर लगाने वाले हैं। सो मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाय द एंड ऑफ 2025 एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आई एम डन विथ माई फाउंडेशन दोस्तों, लग ही नहीं रहा है कि मैंने फाउंडेशन लगाया है। सो अगर आप लोग ये फाउंडेशन परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना, जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, जो कि है छोटी 2023। लेकिन याद रखना ये कोड उनके सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल ऐप पर ही चलेगा। ओके, जैसे कि आप सबको पता है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नायका पर तो है ही, लेकिन अब उनके प्रोडक्ट्स आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। हम निकल चुके हैं गाइस
मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद जल्दी जल्दी से खाना खाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इवेंट के लिए। सम्राट मुझे छोड़ने जा रहे हैं और इवेंट जो है वो शेरेटन में है, तो अब वहाँ जाकर देखते हैं क्या होता है। मेरा पहला इवेंट है तो आई डोंट नो कैसा जाता है, लेट्स सी। ये भैया मुझे चिल्ला रहे कि पहला इवेंट क्या करती रहती हो, तुमने इतने इवेंट कर तो लिए। तो मैं बता रही हूँ कि बेबी मेरा क्रिएटर्स वाला जो मीट है वो ऐसा पहला मीट है ऐसा। तो डिस्क्राइब दैट। ओके गाइस, मतलब पहला ऐसा क्रिएटर मीट वाला, नहीं तो मेरे काफी इवेंट हो चुके। बस गुड, फाइनली मैं मेरे इवेंट के वेन्यू पर पहुंच गई। यहाँ पर कई सारे क्रिएटर्स थे दोस्तों, पर मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं जानती थी, पर कई सारे लोगों ने मुझे आकर पहचाना, मुझसे बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद हमें एक कैफ़े में लेकर गए। यहाँ पर इस तरह ये बोर्ड लगा हुआ है देखो, और जो होस्ट थी वो हमसे इंटरेक्ट कर रही थी। काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ, हमने एक दूसरे से बातचीत की, सारे क्रिएटर्स आपस में मिले। बस मेरा इवेंट हो गया दोस्तों, और सम्राट मुझे लेने आ गए थे वापस से। इवेंट कोई इतना ख़ास हुआ नहीं, मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी पर ऐसा कुछ इवेंट हुआ नहीं, तो क्या ही बताऊँ आपको उसके बारे में। उसके बाद मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था तो मुझे फिर सम्राट 140 लेकर, ये कोई बबल गम शेक था, ये मैं पी गई, बहुत ही टेस्टी सा था, ये पिया। अभी मैं नीचे बैठी हूँ, वो मेरे को गाड़ी में बिठा के गया है क्योंकि हमको बाल्टी, एक मेरे हमारे घर पे बाल्टी पड़ी हुई है डिस्पेंसर की, उसमें वो कब से पड़ी हुई, जब से घर बना, मतलब घर जब से पुता ना उसके तब से बाल्टी पड़ी हुई। तो उसने बोला कि अपन वो ले चलते घर पे, छोड़ जाते घर पे, वो काम आ जाएगी। तो अभी हम घर जा रहे हैं, मम्मी के पास जा रहे हैं, मेरी मम्मी के पास मिलने आ गए सम्राट। मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी और तुम आ गए। बाल्टी या गोइंग, कितना हैंडसम है एक तो ये लड़का मेरा, हमारे पास देख के मेरा ऐसा लगता है बिल्कुल। और मम्मी की आती हूँ ना दोस्तों, मेरे को बस नींद ही नींद आती है, पता नहीं क्यों। मेरी आंखों में देखो कितनी नींद भरी हुई है, मतलब आदत नहीं रही मेरे को अब यहाँ, मतलब सोने की कंफर्टेबल तो मैं वहीं पर सो पाती हूँ घर पर ही, ये वाले घर की आदत छूट गई है। पर यहाँ आती हूँ तो इतनी नींद, पता नहीं कौन से जन्म की नींद आती है मुझे। यहाँ पर आके बिल्कुल सारा ऐसा लगता है थकान उतर रही है मेरी। मम्मी जो है दिन की 1 बजे से मार्केट गई हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले आई है। मेरे को पापा ने हमको बोला है कि नीचे आ जाओ, हम ऊपर बैठे हुए थे, अब मम्मी से मिलने नीचे जाते हैं। तो सामान बता कितना लेके आई हो, हटो साड़ी लाई, अच्छी लग रही। सुंदर सूट अच्छा लग रहा है आपका, आप सूट में सुंदर लग रहे। फैशन इन्फ्लुएंसर प्राडा गर्ल, राजा पर्दा गर्ल, तो ये मेरे प्राडा गर्ल सारा हिसाब दिया जाना है खर्चे का। कितने उड़ा के आई हो मम्मी? 10,000 तक का कर दिया है आज। वेरी गुड, तोलिया देखिए जी की भगवान क्या है, हाथी। अच्छा हाथी आए हैं, ये नहीं ये। गाइस मैं जी की कुछ आ रही हूँ, इसका कॉलेज में डांस है, मेरे कॉलेज में। अरे यार तू क्यों डाल देगी इसमें, देख मन से स्टेप मत डाल दो, सिखाई वही कर, वही कर दूँ, वही कर दूँ। खत्म।